नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश। आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। आप इस वीडियो को देख रहे हैं बिकॉज आप किसी के ब्लॉक लिस्ट में पड़े हो। आप पिछले 6 महीनों से, 3 महीनों से, 2 महीनों से, 15 दिन से, 1 महीने से आप किसी के ब्लॉक लिस्ट में पड़े हो। किसी इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया है और सारी चीज़ें ख़त्म कर दी है, आपको छोड़ दिया है बिना गलती के। अब यहाँ पर दो सिचुएशन आती है। आप उस इंसान को वैल्यू रियलाइज़ करवाना चाहते हैं, अपनी इंपॉर्टेंस समझाना चाहते हैं कि मैं उसकी लाइफ में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट थी, और सेकंड ऑफ कि आप उसको अपनी लाइफ में वापस चाहते हो। तो ये दो पॉइंट से इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टिल एंड तक वॉच करना है। ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, पूरी तरीके से आपको एक दिशा मिल जाएगी आपको लाइफ में क्या करना है, कैसे चलना है। तो वीडियो को स्टिल एंड तक वॉच करना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे बहुत सारे लोग मेरे से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका नंबर दे दो, मुझसे कॉल पर बात करो। तो मैं आपसे कॉल पर बात करने के लिए दो ऑप्शन लेके आओ। दो ऑप्शन क्या है, आप इस छोटी सी वीडियो को देख लीजिए। गाइज, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे कॉल पर कनेक्ट होना चाहते, पर्सनली कॉल पर बात करना चाहते, तो आपको इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च करना है टिप्स विद हरीश। वहाँ पर जाकर आप मुझे मैसेज करिए, आप डायरेक्टली पर्सनली प्राइवेट कॉल बुक कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम नहीं यूज करते तो आपके लिए और एक ऑप्शन रखा है, आपको जाना है प्ले स्टोर में, वहां पे जाके सर्च करना है कॉल मी फॉर एप्लीकेशन। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद वहां पे जाके लॉगिन करना है अपने नंबर से। लॉगिन करने के बाद आपको जाके सर्च करना है सर्च वाले ऑप्शन पे टिप्स विद हरीश, और आपको मेरी पहली प्रोफाइल मिल जाएगी, वहां पे जाके भी आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं। अब यहां पे हम बात करते हैं, हम किसी के ब्लॉक लिस्ट में पड़े पिछले 1 महीने से, 2 महीने से। अब यहां पे ये चीज समझना है कि सामने वाले हमें अनब्लॉक करे तो हम इसके लिए क्या करना है। बहुत सालों के मुझे मैसेज आते कि सर 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, सामने वाले मैंने नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, सारी चीज़ें कर ली, लेकिन सामने वाला मुझे ना अनब्लॉक नहीं कर रहा है। मैंने उसको रिक्वेस्ट भी कर ली, मैंने उसके सामने गिड़गिड़ा लिया, मैंने उसके 10 नंबर से कॉल कर लिया, या फिर फ्रेंड से समझा लिया, मेरे फ्रेंड ने भी समझा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन सामने वाला मुझे अनब्लॉक नहीं कर रहा है। और आपने जो ब्लॉक वाली वीडियो अपलोड की थी वो भी मैंने देख ली, लेकिन सामने वाला अनब्लॉक नहीं कर रहा है। 2 महीने 3 महीने हो चुके और अब मैं चाहता हूँ कि उसको मेरी वैल्यू रियलाइज हो, मैं उसके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था या फिर इंपॉर्टेंट थी, मैंने उसके लिए कितना सब कुछ किया, लेकिन सामने वाले ने मुझे ब्लॉक कर दिया बिना किसी रीजन के, बिना किसी गलती के। आज वो मुझे छोड़ के किसी और के साथ खुश है या फिर वो किसी अपने लाइफ में खुश है। तो यहाँ पे आपको करना है कि अगर आपको कोई इंसान ब्लॉक कर रहा है, तब हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आपने ये गलती नहीं की होगी या फिर कर दी, तो एक चीज़ याद रखना, हम जो गलतियाँ करते हैं ना उसकी वजह से हमें सारी चीज़ें देखने को मिलती है। किसी भी रिलेशनशिप में कोई भी इंसान नहीं चाहता आपको छोड़ना, कोई भी इंसान आपको देखिए अगर किसी ने ब्लॉक कर दिया तो हम क्या मान लेते हैं, सब कुछ खत्म हो गया, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर सबसे बड़ी गलती होती है आपकी। आप लोग ये सोच लेते कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, सब खत्म हो गया, लेकिन सामने वाले की तरफ से खत्म नहीं होता। सामने वाला सिर्फ आपको गुस्से में ब्लॉक करता है कि यार ये बहुत परेशान करता है, ब्लॉक कर दिया। लेकिन सब आप सामने वालों को इरिटेट नहीं करोगे, परेशान नहीं करोगे। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान अपने माइंड में जितने ज्यादा आपके बारे में सोचेगा उतना ज्यादा वो फंसता जाएगा आपके बारे में। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। किसी इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया, ठीक है, आप ब्लॉक हो चुके हो, ठीक है, तो सामने वाला आपके बारे में सोचेगा नहीं क्योंकि आपने उसको गुस्सा दिया, इसलिए उसने गुस्से में ब्लॉक कर दिया। जब आप उसको मैसेज करोगे या फिर अनब्लॉक कर दो, कॉल कर दो, फिर वो क्या सोचेगा, साइकोलॉजिकली इंसान का माइंड ऐसे चलता है कि जब आप उसको मैसेज करोगे ना मुझे अनब्लॉक कर दो, तो सामने वाला सोचता है ठीक किया मैंने इसको ब्लॉक करके, अच्छा किया, क्योंकि ये अभी रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब इसकी गलती थी, मतलब हम खुद रियलाइज करवा देते हैं हाँ भाई मेरी गलती थी, प्लीज़ मुझे अनब्लॉक कर दो। लेकिन जब सामने साइकोलॉजी कहती है कि जब सामने वाले इंसान को हम पूरी तरीके से फ्री छोड़ देते, सामने वाले के पीछे नहीं जाते हैं, ठीक है, जाने दो भैया, जा रहा है जाने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस इंसान के जाने से, जब हम पूरी तरीके से साइलेंट हो जाते, पूरी तरीके से चुप हो जाते, कुछ नहीं बोलते ना, तब सामने वाला खुद आपके बारे में सोचता है यार मैंने इसको ब्लॉक करके सही किया या मैंने ब्लॉक करके गलती तो नहीं कर दी ना, बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी ना, मुझे लगता है इसकी गलती कोई इतनी बड़ी नहीं थी कि ब्लॉक कर दूं। इस तरीके से खुद अपने माइंड में सोचता है जब आप उसको परेशान नहीं करते। ये खुद साइकोलॉजी कहती है, इंसान का माइंड ऐसे ही चलता है, इंसान के माइंड में ऐसे ही थॉट्स आते हैं। जब वो इंसान आपको ब्लॉक करता है ना, तो अगर हम उसको परेशान नहीं करते, पूरी तरीके से साइलेंट हो जाते, तो खुद उसके माइंड में क्वेश्चन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्या मैंने सही किया इस इंसान को ब्लॉक करके, या फिर यार कुछ ज्यादा हो गया, मैंने ब्लॉक नहीं करना चाहिए था, या फिर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, या फिर मैंने ज्यादा कर दिया, चलो ना एक बार अनब्लॉक करके देख लेते। तो इंसान का माइंड ऐसे चलता है, खुद साइकोलॉजी कहती है। लेकिन जब हम उसको परेशान करते, जब ब्लॉक के बाद उसको मैसेज कॉल करते, तो सामने वाले का माइंड कैसे चलता है कि यार सही किया, चलो ये, जब आप उसको बोलते हैं आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो, ब्लॉक से अनब्लॉक कर दो, तब सामने वाला सोचता है ठीक किया मैंने इसको ब्लॉक करके, ये इसी के लायक है, ये उसका माइंड सेट होता है। खुद साइकोलॉजी इसके बारे में कहते हैं। और आप एक बार आप खुद इसके बारे में सोच के देखो, हमारा माइंड भी ऐसे काम करता है जब कोई हमें परेशान करता है हम उसको ब्लॉक करते हैं। खुद एक बार खुद के बारे में सोचो। वैसे साइकोलॉजी कहती है कि जब सामने वाले को परेशान नहीं करोगे, साइलेंट रहोगे, सामने वाले को पूरी तरीके से फ्री छोड़ दो, जब वो फ्री रहेगा उसका माइंड पूरी तरीके से खाली रहेगा ना, तब वो आपके बारे में सोचेगा। और इंसान जितना आपके बारे में सोचता है ना उतना आपके बारे में फंसता है। ये साइकोलॉजी 99% रिसर्च के बाद साइकोलॉजी खुद कहती है, 99% रिसर्च किया था साइकोलॉजी ने इंसान के माइंड के ऊपर, जब कहा गया था कि कोई इंसान जितना आपके बारे में सोचता है उतना आपके बारे में फंसता है। एग्जाम्पल मान लो, अगर आपने सोच लिया कि मेरे को
इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना, तो आप उसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचोगे, ठीक है। वैसे इंसान का माइंड होता है, जब वो आप फ्री छोड़ दोगे ना, तो वो सोचेगा कि यार ठीक है चलो यार छोड़ो, वो फिर से आपका माइंड, आपका क्वेश्चन उसके माइंड में जाएगा, और उसका जो सब क्वेश्चन माइंड रहेगा, जो उसके नेगेटिव थॉट्स रहेंगे, उसको परेशान करेंगे कि यार मैंने सही किया इसको ब्लॉक करके, मैंने इसको अनब्लॉक कर देना चाहिए, या फिर मैंने ज़्यादा कर दिया, यार इंसान साइलेंट हो गया, उसको ज़्यादा बुरा तो नहीं लग गया, उसको अपने आप उसका जो माइंड रहेगा, जो उसके नेगेटिव थॉट्स रहेंगे, उसको परेशान करेंगे, और खुद आपको अनब्लॉक करना जरूरी समझता है। लेकिन अगर आप उसको परेशान नहीं करोगे तब, अब आते हम सेकंड वाले पॉइंट पे कि उसको वैल्यू रियलाइज कैसे करवाएं। किसी को अपने वैल्यू रियलाइज करवाने के लिए हमें उसके सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग बोल देते हैं तूने मुझे छोड़ दिया ना, अब तुझे मेरी वैल्यू समझेगी, अब तेरे को ये समझेगा, तेरे को ये करके दिखाऊंगा, वो करके दिखाऊंगा, बोलने वाले होते ना, जैसे मैं कहता हूं मेरी हर वीडियोज में कहता हूं कि जो बोलता है मतलब जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, वैसे आपकी सिचुएशन, आप बहुत ज्यादा बोल जाते लेकिन आपसे कुछ हो नहीं पाता। आपने उसको बोल दिया ठीक है आज के बाद तेरे को मैसेज नहीं करूंगा, कॉल नहीं करूंगा, तेरे को मेरी वैल्यू समझ आएगी, और 10 दिनों के बाद या फिर 2 दिनों के बाद या फिर 1 घंटे के बाद खुद आप ही उसको मैसेज करते हो, और वो इस चीज को फनी वे में ले लेती है कि ये मेरे बिना रह नहीं सकता, देखो इसने बोला था और यही कॉल करा और यही मैसेज करा, तो ये फनी वे होता है, और सामने वाले ना आपको ग्रांटेड ले लेता है कि ये इसने बोला था और यही मैसेज करा, तो आपकी जो इंपॉर्टेंस होती है, आपकी जो वैल्यू होती है ना, बढ़ने की बजाय जितनी होती है वो भी कम होती है, क्योंकि आप ये हरकतें करते हो कि मैं तेरे को कॉल नहीं करूंगा, मैसेज नहीं करूंगा, खुद 1 घंटे के बाद हम मैसेज करते हैं। अगर हमने किसी को स्टेटमेंट दिए कि ठीक है भाई तू ये कर रहे, ठीक है आज के बाद मैं तेरे को मैसेज नहीं करूंगा, कॉल नहीं करूंगा, सच्ची में मत करो, सामने वाले को जब तक रियलाइज नहीं हो जाने कि यार ये सच्चे में दूर तो नहीं जा रहा, सच्चे में छोड़ के तो नहीं जाएगा, और ये रियलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा ना, सामने वाले को अपने आप आपकी वैल्यू समझ में आ जाए कि नहीं यार मैंने इस इंसान को छोड़ के गलती की, या फिर इंसान मेरे से सच्चे में दूर हो रहा है। तो हमें अगर बोलते तो करके भी दिखाओ, और अगर हम नहीं बोलते तो करके दिखाओ, लेकिन बोलने से कुछ नहीं होता। हम बहुत सारे लोग बोल जाते लेकिन कर नहीं पाते, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। हर वीडियोज में बताता हूं अगर आज इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करोगे ना, तो लाइफ में बहुत ज्यादा रोगे उस इंसान के लिए, जिस इंसान के लिए आज हंस रहे हो ना, एक समय ऐसा आएगा कि उस इंसान के लिए आपको रोना भी पड़ेगा। तो सबसे बड़ी गलती कि अपनी इमोशंस पे कंट्रोल नहीं आप लोगों का। साइकोलॉजी खुद एक रिसर्च के बाद कहती है कि कोई भी इंसान आपको परमानेंट छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन आप जो हरकतें कर करते, जो आप गलतियां करते, उस गलती की वजह से रिलेशनशिप ब्रेक होते, 99% रिलेशनशिप इसी की वजह से टूटेगी। सामने वाला काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवनेस रखता है, काफ़ी ज़्यादा शक करने लग जाता है, या फिर काफ़ी ज़्यादा खोने का डर रखता है। किसी एक के अंदर खोने का डर होता है, किसी के अंदर नहीं होता, इसकी वजह से रिलेशनशिप 99% रिलेशनशिप इसी की वजह से ब्रेक होते। तो खुद साइकोलॉजी की, इस साइकोलॉजी के बारे में सोचो, साइकोलॉजी के बारे में इस्तेमाल करो, साइकोलॉजी को अपने रिलेशनशिप में, और अपने रिलेशनशिप को आप ठीक कर सकते हो। अगर आप रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम फेस करें, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, आपको हमारे चैनल पे हर रिलेशनशिप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हैं, जैसे आपने वीडियो देखी होगी, आपको मुझसे कॉल पर कैसे बात करें, इंस्टाग्राम के थ्रू बात कर सकते हैं, और कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के थ्रू भी आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं। जल्दी से जी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम मुझे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। गाइज आप में से बहुत सारे लोग मुझसे कॉल पे कनेक्ट होना चाहते, पर्सनली कॉल पे बात करना चाहते, तो आपको इंस्टाग्राम पे जाके सर्च करना है टिप्स विद हरीश, वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज करिए, आप डायरेक्टली पर्सनली प्राइवेट कॉल बुक कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करते तो आपके लिए और एक ऑप्शन रखा है, आपको जाना है प्ले स्टोर में, वहाँ पे जाके सर्च करना है कॉल मी फॉर एप्लीकेशन, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे जाके लॉगिन करना है अपने नंबर से, लॉगिन करने के बाद आपको जाके सर्च करना है सर्च वाले ऑप्शन पे टिप्स विद हरीश, और आपको मेरी पहली प्रोफाइल मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते।